बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा टॉपिक है टार कानक करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, जैसे कि पहले लेक्चर के अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पर वो एक फोर्स फील कर रहा था। अब अगर इसी तरीके से किसी कॉइल को यहाँ पर फ्री रखा जाए रोटेट होने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल फ्री रखा जाए, तो फिर फोर्स जो है वही फोर्स जो कि उस कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगी वो उसे रोटेट करवाएगी। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कहें कि उसके अंदर टार्क जनरेट होगा और वो टार्क जो है वो कॉइल को रोटेट करेगा। सो आज हमारा टॉपिक जो है उसी टार्क को कैलकुलेट करना है, या हम ऐसे कहें कि आज हमारा टारगेट जो है उसी टार्क को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी मैं मैंशन कर चुका हूँ, इट वॉज सीन दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसिस अ फोर्स व्हेन द प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स वहाँ पे जो फील करता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने उसका फार्मूला ड्राइव भी किया, उसे डिस्कस भी किया। फर्दर अगर उसी कॉइल को हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास इफ अ करंट कैरिंग कॉइल दैट इज फ्री टू रोटेट इज सस्पेंडेड इन द फील्ड। अगर करंट कैरिंग कॉइल इस तरीके की रखी जाए जो कि बिल्कुल फ्री हो रोटेट होने के लिए ना, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो फिर वो फोर्स जो है उसे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके अंदर प्रोड्यूस करेगी टार्क, प्रोड्यूसेस टार्क एंड इट विल रोटेट द कॉइल, और कॉइल जो है हमारी रोटेट करना शुरू कर देगी। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट टार्क। तो हमारा टारगेट है उसी टार्क को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमारे पास वो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, वो कॉइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल एक्स वाई जेड। हमने यहाँ पर W XYZ कॉइल कंसीडर की, WXYZ हमने यहाँ पर कॉइल कंसीडर की। उसकी लेंथ जो है हमने ली है L, यहाँ पर लेंथ इंडिकेट कर रहे हैं उसकी, हमारे पास L है। इसी तरीके से करंट कैरिंग, हमारे पास कैरिंग करंट I, और उसके अंदर जो करंट मौजूद है कॉइल के अंदर वो I है। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखा गया। सच दैट इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से रखा गया कि इसका प्लेन जो है बिल्कुल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, एंड द कॉइल इज कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ ओ ओ डैश। इस तरीके से रखी गई है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसकी ओ से लेके ओ डैश तक है, वहां पर वो आसानी के साथ रोटेट हो सकती है। अच्छा, अब कॉइल जो है, अगर हम देखें कॉइल के यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ एंड, डब्ल्यू से लेके जेड तक का एंड, W से लेके X तक का एंड, X से लेके Y तक का एंड, Y से लेके Z तक का एंड। अब मुख्तलिफ एंड से इन मुख्तलिफ एंड्स पे यहाँ पर फोर्सेस जो हैं इन्वॉल्व हो रही होंगी, उन फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फोर्स W से लेके Z आर्म तक लग रही है, ये फोर्स W से लेके Z तक। अगर हम ये आर्म देखें, ये वाला पोर्शन देखें, तो इसके अंदर आई और बी ये आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डायरेक्शन अगर हम यहाँ से देखें, आई जो है अपवर्ड की तरफ और बी जो है इस तरीके से, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगी। तो वो फोर्स कितनी लगेगी और उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। अब सपोज करें हमारे पास यहाँ पर, मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कन्वेंशनल करंट हो तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम इस आर्म पे W से लेकर Z तक के आर्म पे फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा जैसे कि हमारे कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन इस अपवर्ड है, तो हमने यहाँ पर ये फिंगर हमारी अपवर्ड जो है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, और ये हम रहा हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब थंब जो है इनवर्ड है, यानी कि फोर्स जो अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की अंदर की तरफ होगी। इसी तरीके से हम इस एंड की बात करें, ये एंड और ये एंड, अगर इन दोनों एंड को देखा जाए तो यहाँ पर आई और बी के बीच में सेम एंगल बन रही है, तो फोर्स जो कंडक्टर पे लगेगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, देख लें आप, यहाँ से करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखा जाए तो वो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर है। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स जो है थंब यहां से इंडिकेट कर रहा है कि आउटवर्ड फोर्स लग रही है। बाकी हमारे पास दो साइड रही, W से लेके X तक और Z से लेके Y तक। अगर इनके अंदर हम बात करें तो करंट जो है यहां पर I जो है हम कह सकते हैं B के साथ पैरेलल है, तो इस कंडीशन में देयर इज नो फोर्स अलॉन्ग द WX एंड ZY अकॉर्डिंग टू द फार्मूला।
तो इन दोनों एंड्स पे किसी भी किस्म की फोर्स नहीं होगी, बाकी ये दो रिमेनिंग फोर्सेस हैं जो कि कपिल जनरेट कराएंगी और हमारे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी। यहाँ पर मैंने एनिमेशन दे दिया है, आप देखें ये कॉइल किस तरीके से रोटेट हो रही है, और आप ये भी देख सकते हैं ग्रीन कलर की एरोज जो हैं ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस W से लेके Z तक और X से लेके Y तक जो सिमिलर फोर्सेस लग रही हैं उनकी बात करते हैं। दस द फोर्स ऑन आर्म WZ एंड आर्म XY ईच इज, दोनों पे जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू BIL मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स करंट टाइम्स हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्शन को हम डिस्कस करके आए तो यहां पर मेंशन कर दिया एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द WZ आर्म इज इनवर्ट, ये इनवर्ट हमने डिस्कस किया था अंदर की तरफ, एंड ऑन XY इज आउटवर्ड, और एक्स वाई पे जब हमने डिस्कस किया था एक्स से लेके वाई तक तो वो हमारे पास क्या थी, आउटवर्ड थी। दस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एज अ कपल, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो ये कपल की तरह एक्ट करेंगी, और कपल जो है वो बॉडी को क्या करेगा, जो हमारी कॉइल है उसे रोटेट करेगा, कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अच्छा, द टॉर्क आर मूवमेंट ऑफ द फोर्स, अच्छा कपिल जो है वो टार्क जनरेट कर रहा है क्योंकि टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो एक्चुअली इसका एंगुलर मोशन जो करवा रहा है वो वही रेस्पॉन्सिबल है, और वो इक्वल किसके होगा, हमें पता है कि टार्क का फार्मूला टार्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स मूवमेंट आर्म, या हम ऐसे करते हैं मूवमेंट आर्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स, दो आर्म्स हमारे पास, ये दो आर्म्स हमारे पास मौजूद हैं इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या हम इसे कह सकते हैं ये मूवमेंट आर्म है। अब हम बात करते हैं यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर अगर फोर्स को हम देखें तो फोर्स हमारे पास है बी आई एल, और मूवमेंट आर्म की अगर हम बात करें तो मूवमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स, यहां से लेके दो आर्म्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने दिखाया वो बी है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारे बी आई एल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मूवमेंट आर्म कर रहे हैं इट इज इक्वल टू स्मॉल बी। अब अगर यहां पर बी को देखा जाए तो ये क्वाइल के अंदर क्या है, क्वाइल की विर्थ है, और अगर एल को देखा जाए तो ये क्वाइल की क्या है, लेंथ है, तो ये विर्थ और हमारे पास जो लेंथ है क्वाइल की अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एरिया ऑफ क्वाइल को इंडिकेट करेंगी, तो टार्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स करंट टाइम्स एरिया ऑफ द क्वाइल। अब ये हमारे पास टार्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गया। अगर हमारी क्वाइल जो है वो रोटेट हो रही है, अगर वो क्वाइल रोटेट हो रही है, इफ द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फील्ड डायरेक्शन, अगर फील्ड डायरेक्शन से वो रोटेट होती है किसी एंगल पे तो वो एंगल कोई अल्फा बनाती है, तो फिर हमारा फार्मूला टार्क का क्या हो जाएगा, टार्क इज इक्वल टू फोर्स मोमेंट आर्म। अब यहां पर जो बी विड्थ थी वो हमारी बी जो है बी कॉस के साथ हो जाएगी, यहां पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने यहां पर बता दिया एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड कपल जनरेट करवा रही है, और ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है बी कॉस अल्फा को कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई एल बी कॉस अल्फा। इन अदर वर्ड्स हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहा, टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई ए कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड द बी। अच्छा, प्लेन ऑफ द क्वाइल जो है उसके बीच में ये प्लेन हमारा जो है और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। अगर हमारे पास क्वाइल पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो अगर एन है तो ईच टर्न कंट्रीब्यूट्स टू द टॉर्क एंड सो द टॉर्क इज इनहेंस्ड एन टाइम्स, तो फिर एन टाइम्स टॉर्क इनहेंस्ड हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स करंट टाइम्स एरिया ऑफ द क्वाइल नंबर ऑफ द टर्न्स एंड एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ से ये आज हमें टार्क कैलकुलेट करने का फार्मूला मिल गया, और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि टार्क जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट ऑफ द क्वाइल पे, और एरिया ऑफ द क्वाइल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और जो एंगल जो है बन रही है किसके बीच में, प्लेन ऑफ द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और उसके अलावा वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली अनीसा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।